तो भाई अभी अपन देखने वाले हैं कि कॉलम कैसे बनता है। तो पहले तो हंस लेता मैं थोड़ा सा। अभी जो है अभी ये कितने का, ये 16 के 12 ऐसे डाले जो अपन जो मेन अपने 4 बार आएंगे, 16 के 12 है, ये 12 के 12 है, 12 के 3 बार ऐसे दोनों साइड से आएंगे। अभी कॉलम बनाने से पहले जो है अपन ये बार पे मार्किंग कर लेते हैं, जो बीच में थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा रहती है कॉलम की, है ना, बीच में थोड़ी ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे मतलब बीम के पास में जैसे आएंगा वो, तो स्पेसिंग कम होती रहती है। अभी यहाँ पे बीच में जो स्पेसिंग है ये 6 इंच की है, और साइड में जो मतलब बीम के पास में आएंगा वो वो 4 की है ये और चार उधर की, भी 4 की है। उधर के भी 4 4 की है। तो ऐसे कॉलम बनता है। ये जो है ये जो स्टीरअप्स लगाई है ये पहले ऐसे साइड से ऐसा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें जिसके ऊपर बार रखते हैं, और फिर इसमें से ऐसा बांधने के बाद वो पलटी घुमा देता है हाँ हाँ ये पलटी घुमा लेते हैं, फिर दूसरे साइड से फिर बांधना चालू कर देते हैं ऐसा। फिर पूरा अपना जो कॉलम का स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाता है, और फिर इसको फिर अपना जो कॉलम है उस पर लगा देते हैं ऐसा ही है ना। हाँ ये देखो अभी पलटी मारते हैं, पलटी हाँ मार दो देखो ये ऐसा पलटी मार देते। अभी इस साइड से भी अभी बार लगाएंगे, 1 2 3 4, और ये बीच में का 5 बार आएंगे ऊपर के, ठीक है। ऐसा पूरा कॉलम बन के तैयार हो जाता है अपना। ये अपने अर्जुन भाई, तैयार बना दो, विष्णु भाई क्या तैयार हो गया वो वाला कॉलम, आगे वाला, आगे वाला। ये देखो अभी ये जो कॉलम है बन के तैयार है, जो बाकी कॉलम है ये सब बन के तैयार हो गए हैं कॉलम, और वहाँ पे चालू है अपना काम। यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग चालू है,